अपने प्यारा सा होम को करते हैं बाय बाय। है दोस्तों बाय बाय दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और न्यू प्यारा सा व्लॉग में। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है, यानी रात का टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है रात का, और कल सुबह हमें निकलना है, तो इसलिए अभी सारा पैकिंग वैकिंग तो कंप्लीट है, बाकी मेरा एक दो कपड़ा है वही रखेंगे। खाना 2 बजे का बना, उनका बर्तन धो लिए कि सुबह में थोड़ा सा ले जाएंगे बनाने भर का, तो काम ज्यादा नहीं रहे, तो जल्दी से सोएंगे आज, क्योंकि सुबह भोर में ही ट्रेन है हमारा, तो छूट ना जाए ट्रेन इस वजह से, है ना। और अभी मानसी को हम सिखा रहे थे कि अजनबियों से बात नहीं करते, अजनबियों का क्योंकि हाँ ला देंगे, क्योंकि आइसक्रीम वाले आए थे ना, तो मैं अभी उस वाले घर पे था, नए वाले पे, तब तक दौड़ के जाके ले लिया, अंकल अंकल आइसक्रीम दो बताओ, और वो बेचारे दे दिए, और आके मम्मी से कह रहे अंकल आइसक्रीम दिए हैं पैसे दो ना, तो मैं जाकर पैसे दिए। मानसी के पापा एक दिन बोले थे कि अगर मैं नहीं रहूं तो खड़ा है तो दे देना, फिर भी ऐसे अगर हम घर पे ना रहे तो लेना नहीं चाहिए, वही सिखा रहे थे मानसी को अभी, तो कह रही थी हाँ, मतलब सारा बात मान रही थी हमारा। तो अभी देखिए काजल का वहाँ बैग रखा हुआ है, सब पैक करके वहीं रखिए, चैन को लाइए, और ये पहन के जाना है कुछ तो यहाँ रखती हूँ। हाँ, और अभी मैं भी अपना पैक करूंगा, है ना, मेरा वाला पैकिंग अभी नहीं हो पाया है, तो आप लोग दोस्तों मैं काम करती रहती हूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ, कहेंगे पैक कर दूँ, कहेंगे तो दोस्तों आप लोग हम नहीं नहीं दोस्तों ये गलत बोल रही है, अभी मेरे से बोल रही थी काजल कि मैं आपका पैक, इसलिए तो एक लड़के का पैक नहीं की हूँ, मतलब मेरे को चिढ़ा रही थी। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग टाइम में, तब तक इस टाइम में अपना कपड़ा पैक कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये सब निकाले हैं, काजल सो रही। बहुत सारा कपड़ा निकाले हैं। गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे दोस्तों, एंड सुबह का अभी करीब 6 बज रहा है, अभी 6 बजने वाला है, बजा नहीं, और देख सकते हैं अभी मौसम कुछ इस तरह से हुआ है, और इतना सुबह क्यों उठे हैं बता रहे हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा ही, अभी जस्ट उजाला हुआ है, कैमरा में थोड़ा उजाला दिख रहा है, तो अभी जा रहे हैं दोस्तों हम नहाने इतना सुबह सुबह, क्योंकि अभी निकलना है थोड़ी देर में, आधे घंटे टाइम बचा है मेरे पास, और जल्दी से नहा के निकलेंगे, और इधर काजल नहा धोवा का अभी तैयार हो रही है, कुकर कह रही है बंद करने के लिए, तो चलिए चलिए नहा लेते हैं जल्दी से, अभी जल्दी जल्दी से जैसे कुछ तैयार हो गए हैं, 10 मिनट टाइम बचा है ट्रेन आने में, अभी घर में चलिए चलते हैं जल्दी से फटाक से बेटा। तो दोस्तों सबसे पहले काजल को और मानसी और अनुज को छोड़वा रहे हैं, और एक बैग लेकर नु ठीक है, पहले अभी देख सकते हैं बैग वैग सब रख लिए यहाँ पे, क्योंकि अभी सचिन गया काजल को छोड़ने वहाँ पे, फिर ये सारा बैग वैग लेके फिर हम चलते हैं जल्दी से, ये है अभी वो वाला बैग है, तो चलिए अभी थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, बैग यहाँ पे रख दिया, बाइक आ गया, चलिए चलते हैं जल्दी से, और अपने प्यारा सा होम को करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे, अभी बाइक को करते हैं बाय बाय, और बहुत जल्द आएंगे, एंड चलते हैं अभी पहुँच गए दोस्तों, क्या हुआ था ना बता रहे हैं, ट्रेन एक्चुअली छूट गया था हमारा वहाँ से, तो हम आ गए हैं मीरगंज, और काजल को बैठा दिए थे, गोल सचिन लेके जाकर बैठा दिया था, और हमें लेके आने में लेट हो गया, तो वहीं छूट गए, तो फिर बाइक से ही चले आए मीरगंज अगला स्टेशन पर, तो अभी ट्रेन आया नहीं है, देख सकते हैं अगला स्टेशन पे आके हम लोग वेट कर रहे हैं, तब तक आ रहा है काजल और अनुज उसी में है। लेकिन लग नहीं रहा था कि मतलब पकड़ पाएंगे ट्रेन, जस्ट पहुंचे हैं जाके इस वाले बोगी में, ये कह रहा है क्या कह रहा गोलू, एकदम पीछे है हम लोग, हम पीछे वाले डब्बे में चढ़ गए, चलो ठीक है बाय बाय। ए धीरे धीरे जाइए, है चलो, ये लो हैला अपन है लंच बॉक्स है दोस्तों, ट्रेन में मैजिक पापा दौड़े दौड़े आ रहे, चुपके आ रहे, अब तो चले जाते आराम से लेके,
पहुंच गए। और मानसी देखिए क्या कर रही, क्या कर रही हो? तुम आ गई हो? कार्टून देख रही है इसमें। सी खाना खाएगी? ये आ रहा है चना, चना आ रहा है बिकने, चना खरीद लेना। ये चना है, चना खा लिया? चना खाओगी? खा लेना, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ से ये ट्रेन का जो टाइमिंग है ना बहुत ज़्यादा सुबह का, और नहाने धोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बस एक मिनट की वजह से छूटा ना, एक मिनट जैसे हम पहुँचे वैसे चल गए। दोस्तों बहुत ज़्यादा सुबह सुबह नहाने में अभी कह रही काजल प्लेन मिलता है छोटा वाला, तो भूल गए दोस्तों, इतना जल्दी बाजी था ना इसलिए अगले स्टेशन पे ट्रेन पकड़े थे, तो जल्दी जल्दी हम भूल गए। और अभी हम लोग शायद सिवान पहुंचने वाले हैं, है ना बेटा? क्या कर रही हो? देख रही है बेटा। तो चलिए दोस्तों हम हो सकता है, और ये ब्लॉग आज ही शूट कर रहे हैं हम लोग, आज ही अपलोड भी कर रहे हैं, 11:10 पे डालेंगे और 11:12 तक पटना में पहुंचेंगे। 12 बजे के बीच में हम पटना पहुंच जाएंगे आज। और आज दिन कौन सा है? मंगलवार। अभी खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, खाना काजल लेके आया, वो हम लेके आ गए, ये भी भूल गए थे वहीं पे, फिर बाद में दोबारा लेके आए। अच्छा लग रहा है तुमको? कहाँ जा रही हो? दिल्ली जा रही हो? वाओ, जल्दी चलेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। तो फाइनली अभी हम सिवान जंक्शन पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं मानसी सिवान है, अभी सिवान आए। चलिए कुछ कुछ मुंह में डाल लेते हैं, खा के खरीद प्लेट और पानी। ओके, पानी लेके आते हैं, यहाँ पे भीड़ होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए काजल यहाँ रख दिए हैं। काजल कह रही कौन बैठेंगे इस पे? तो ये है दोस्तों सिवान जंक्शन, देख सकते हैं इस भी, वेलकम टू सिवान जंक्शन। चलिए पानी लेके आते हैं वहाँ से, काजल इस वाले बुकी में है। और सिवान में हम कितने दिन बाद, अनुज अनुज दोस्तों एक चीज़ बता रहे हैं, रखिए अनुज का पहला ट्रेवल है ये, ट्रेन का है ना, पहली बार मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहा अनुज, तो ये काफ़ी एक्साइटेड है ना अनुज। लेते हैं थोड़ा, एक पानी बोतल दे दीजिए, एक ये पकड़ लो मानसिक लिए, और एक पानी बोतल, एक चिप्स दे दीजिए। और क्या मांगी थी? कोई छोटा छोटा वो कटोरी जैसा नहीं होता है खाने वाला, कुछ नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे दोस्तों नहीं मिल रहा, तो अभी ले लिए हैं सारा सामान और चलिए चलते हैं जल्दी से, मतलब बोगी में अपने डिब्बे कह लो। ये हंस रहा है। और हमें चलिए चल के बता, कौन सा बोगी में थी याद है? रुकिए दोस्त, एक मिनट, चिप्स दो बेटा, लो थोड़ा लेना, थोड़ा लूंगी, भैया को भी दो, भैया को भी, भैया को दो निकाल के, दे दो, ले लो। खा रही हो? आपको केक पसंद है? तो मानसी अभी कुछ नहीं लेने दे रही है पापा को, सारा कुछ खाने को मांग रही है। ये नाराज हो गए, फाड़ दिए ना, तो हम नहीं खाएंगे, आप ही खाओगे? और भी लोग हैं, हाँ मैं अनुज पापा से, हाँ ये कॉल ले, कुछ खाई चाहे ना आए, अब रख रख वाले जान हो जाए, चाय वाला पास में चाय पाँच रुपया हम लोग, एक दिन मुहवा देखेंगे
आप सब भी खाइए दोस्तों। ले लो उतना सारा, ठीक है? क्या पानी पियोगी? गिलास ना ले लो, खा जाओ। लाओ दिखाओ बेटा कितना बचा है उसमें, देखो। अभी हम दोस्तों सिवान जंक्शन से निकल रहे हैं। मानसी भी जर्नी का काफी मजा ले रही है ना बेटा? शीशा थोड़ा सा गंदा है इसलिए साफ नहीं दिख रहा बाहर नजर। हमारे यहाँ का ऐसा ट्रेन है कि इसको हाथ मार दोगे तो रुक जाएगा, यानी बस के जैसा भी उधर गांव एरिया में, बट इस लाइन में अब शायद नहीं रुक पाएगा, लेकिन हमारे इधर जो जहाँ से चल के आता है ना उधर की तरफ रुक जाता है हाथ मार। और अभी ये पता ना कौन सा मस, ये सारे रेल उससे ये बनता है, पटरी बनता है ना? हाँ, ये कुछ मशीन है ऐसा लगा हुआ। और अभी हम सिवान क्रॉस कर रहे हैं, तो मानसी ना उसी टाइम से इधर देख रही है, कह रही है फूल, वाव, एक तो फूल का पेड़ दिख रहा है ना, उसी को कह रही है देखिए। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं चैनवा स्टेशन, और यही स्टेशन है जहाँ पे हमारा पहले फोन गुम हुआ था, आप लोग देखे होंगे जब मेला आए थे हम लोग, पर से पूरा गायब होता ना, और यहीं पे काफ़ी देर हम लोग बिताए थे, फिर यही ट्रेन रात को गया था ना, तो इसमें बैठ के आए थे घर पे। बहुत ज़्यादा उदास हुए थे जब आए थे हम लोग पूजा करने मेहदार, तो उस टाइम मोबाइल गुम हो गया था हमारा तो यही वो स्टेशन इसलिए याद आ गया। क्या बेटा, क्या क्या? नहीं ऐसा नहीं करो। और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है देख सकते हैं, इसलिए बाहर निकलना, सीट छोड़ना गलत है ना, सीट छोड़ेंगे तो फिर सीट नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी टाइम लगेगा वैसे जाने में, पहुँच के मिलते हैं। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं महेंद्रनाथ हॉल्ट, जो कि यहीं पे हम लोग पूजा करने आए थे, और यहाँ से आप देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी एकमा पहुँचे हैं, एकमा लगा है क्या आपको? खाना खाओगी? अंदर है, अभी प्लेट कर देंगे फिर खाएंगे बोल रही है। अच्छा, पानी अंदर डाले, पानी भी लेंगे तो अभी मानसी को भूख लगा है, अभी खाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ है ना देख सकते हैं, एक भी जगह नहीं है, और ट्रेन में खाने में उतार के खाएंगे अच्छे। देखिए मानसी को एबीसीडी नहीं आता है, ट्रेन में बोले एबीसीडी सुनाओ, नहीं सुना रही है। दोस्तों अभी हम लोग छपरा जंक्शन पे आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ लिखा है साइड में छपरा जंक्शन, और मानसी उसी टाइम से बहुत ज्यादा इंजॉय की है। देखिए कितना टाइम और लगता है यहाँ से, वैसे हाजीपुर तक ही जाएगा ये ट्रेन, वहाँ से फिर ऑटो या बस से जाना पड़ेगा। मानसी और काजल भी यहाँ बैठे हैं, प्लस सीट खाली हो गया है, तो मानसी और अनुज बैठे हैं। मानसी अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है। और काजल यहाँ नाक दाब के बैठे, क्योंकि इधर इधर नाला दिखा है काजल को और ये हम छपरा कचहरी पहुँचने वाले हैं अभी, कचहरी। पैर मत हिलाओ बेटा, यह है छपरा कचहरी, देख सकते हैं लिखा हुआ है। चलिए और देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है करीब 10 बज गया, अभी 10 बज के 10 मिनट हो रहा होगा लगभग है ना। रेलवे सुरक्षा बल चौकी छपरा कचहरी, सभी लोग छपरा जंक्शन पे उतरे हैं, पता नहीं इतना ज्यादा लोग वहाँ क्यों उतरते हैं, एग्जाम होगा शायद। बेटा ये हाजीपुर तक जाएगा दोस्तों, तो हाजीपुर से हम बस पकड़ने वाले हैं, बस या ऑटो पकड़ लेंगे ना, ऑटो से चल चलेंगे हाजीपुर से पटना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लो बेटा लो का हो, दे दो उनको, उनको दे दो उनको।
दे दो दे दो ए आ जाओ आ जाओ, खुश हो? खिंचाता अच्छा वाले ना भाई कौन बता अच्छा नहीं है मानसी क्या क्या खरीद लेती हो आप तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मानसी और काजल दोनों लोग सो रहे हैं और अभी हम सोनपुर पहुंचने वाले हैं। सोनपुर करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है अभी, है ना, तो बीच में ही रोक दिया, शायद रेड सिग्नल होगा। हाँ तो दोस्तों सारा बैग निकाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहा है, चलिए इसमें डाल लेते हैं सामान जितना भी है और अभी उतरने का समय आ गया है, आ गया है सोनपुर स्टेशन और चलिए उतरते हैं। चलो कल चलो 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 तो ये है दोस्तों सोनपुर। तो अभी ये ब्लॉग काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो गया है और अभी हम लोग सोनपुर स्टेशन पे ही हैं, अभी जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्द आएगा, हो सकता है शाम को ही आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस ब्लॉग को हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।